हेलो नमस्कार दोस्तों, कमलाज किचन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। दोस्तों लौकी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जो है पौष्टिक भी होती है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हफ्ते में एक दो बार जरूर खानी चाहिए लौकी की सब्जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम लौकी ली है, जैसे बिल्कुल ताजी लौकी है, देसी लौकी है, घर से तोड़ी हुई, घर में ही हमने बो रखी थी लौकी है। और उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है, ये दो हरी मिर्ची, इन्हें भी हमने बारीक कट कर लिया है, ये एक कटोरी दही लिया है। आज हम दही के साथ लौकी की सब्जी बनाने वाले हैं, दही लौकी रेसिपी। 10 से 12 कलियां लहसुन की, जिन्हें बिल्कुल पीस लिया है बारीक, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, सॉरी हल्दी पाउडर, और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया हमने, ये नमक लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो लौकी है उसे हम काट लेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए तो दोस्तों, लौकी को ऊपर से छिलकर बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर हमने लौकी को काट लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं आपको काटता हुआ पूरा प्रोसेस दिखाता तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। तो ये लौकी को हमने ऊपर से छिलकर बिल्कुल अच्छे से धोकर पानी से कट कर लिया है। तो चलिए अब गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहन, गैस को स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब सबसे पहले इसके अंदर तेल डालेंगे, ये तेल डाल दिया है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब फ्रेंड्स तेल के अंदर हम जीरा डालकर चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ या नहीं। ये देखिए जीरा डाल दिया है और जीरा जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची, इन दोनों को अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। प्याज और हरी मिर्ची जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी को बिल्कुल अच्छे से जो है तेल के अंदर पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लौकी, ये देखिए लौकी डाल दिए और लौकी को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। लौकी जो है धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है लौकी का कलर। ये देखिए लौकी को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए दोस्तों, लौकी जो है थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है लौकी, और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। ये देखिए दही डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही भी बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है लौकी के अंदर। और अब जो है अन्य मसाले, अब डालेंगे मिर्ची पाउडर, ये मिर्ची पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार, लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक जो है चम्मच को ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। दही लौकी की बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है, तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। अब हम इसके अंदर एक छोटी कटोरी पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी की सब्जी में जो है थोड़ा ही पानी डाला जाता है, इसलिए बिल्कुल एक कटोरी पानी हमने डाल दिया है इसके अंदर।
और अब दोस्तों इस कढ़ाई को ऊपर से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इतने में जो है सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, दही लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गैस को भी बंद कर दिया है और अब इस सब्जी को हम अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।